मिलने थॉमसन मेथड। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जब हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को आप इस तरह डिनोट करते हैं, u प्लस एटा v से, जहां u और v x और y के फंक्शन होते हैं। z हमारा होता है x प्लस एटा y, z बार होता है x माइनस एटा y। जब दोनों को ऐड करेंगे तो x ये मिलेगा, और जब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, मीन्स 2 को 1 से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो y हमको ये मिलेगा। ले जाकर ये इसमें रख दीजिए, एज z इज इक्वल टू u z प्लस z बार अपॉन 2 और z माइनस z बार अपॉन 2y, ये बना। प्लस आयोटा v वाले पार्ट में भी रख दीजिए, z प्लस z बार अपॉन 2 z माइनस z बार अपॉन 2y, यही बनेगा। जब कर लिया कि z इज इक्वल टू z बार है, तब आपका fz बनेगा u z कॉमा 0 प्लस आयोटा v z कॉमा 0। ये था मिलने थॉमसन मेथड, जहां x को हम z लेते हैं, y को 0।